कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के जपा टॉक में। और बेसिकली आज जो कि हम 64 राउंड्स करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम थोड़ा उसी के बारे में चर्चा करेंगे। शिला प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं 64 राउंड्स के लिए? शिला प्रभुपाद जी का एक लेटर है, ये जो है वार्तालाप है, कन्वर्सेशन है, 1975 14 मई को कन्वर्सेशन हुआ। शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जिस प्रकार रोग के उपचार का अर्थ है ज्वर का कम होना, यही मानदंड है भक्त। और यदि ज्वर कम ना हो रहा हो प्रभुपाद, तब उसे हरे कृष्णा मंत्र की 16 माला का जप करने के स्थान पर 64 माला का जप करने का प्रयास करना चाहिए। यह 16 माला तो न्यूनतम संख्या है, अन्यथा हरिदास ठाकुर तो प्रतिदिन 3 लाख नाम जपते जपते थे। आता है तुम्हें वृद्धि करना चाहिए। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि तुमको बढ़ाना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। केवल यही एक उपाय है, यदि व्यक्ति कृत संकल्प हो तो बिना किसी कठिनाई के उन्नति करेगा। ऐसा संकल्प करना अत्यंत कठिन है कि मुझे पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होना है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी साफ साफ बोल रहे हैं कि अगर कोई बीमार है तो उसको क्या करना पड़ेगा? बीमार है तो उसको दवा। और कैसे कैसे पता लगेगा कि मैं जो है ठीक हो रहा हूं? मतलब आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर किसी को ज्वर है, मतलब बुखार है, तो ज्वर जो है उसका इलाज क्या है कि आप दवाई लो और आपका ज्वर कम होना चाहिए। पर अगर ज्वर कम नहीं हो रहा है, बुखार कम नहीं हो, इसका मतलब क्या है? डोज बढ़ानी पड़ेगी, दवाई का डोज जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं कि अगर 16 माला में अगर जो है हमारा भव रोग कम नहीं हो रहा है तो हमको ज्यादा माला करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं 16 माला तो न्यूनतम है। अगर और प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यदि व्यक्ति कृत संकल्प हो तो बिना किसी कठिनाई के उन्नति करेगा। अगर व्यक्ति डिटरमाइंड है कि मुझे करना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बड़े आसानी से वो जो है उन्नति कर पाएगा। हालांकि फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसा संकल्प करना अत्यंत कठिन है कि मुझे पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित होना है। तो ये एक वार्तालाप है जिसमें शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर किसी कोई बहुत ज्यादा परेशान है, आध्यात्मिक जीवन में बहुत कमजोर है, तो उसको माला बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा शिला प्रभुपाद जी का लोकनाथ महाराज जी के साथ में कन्वर्सेशन है, परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज, लोकनाथ महाराज जो कीर्तन सम्राट हैं उनके साथ में कन्वर्सेशन है। तो क्या बोल रहे हैं लोकनाथ महाराज जी? बोल रहे हैं कुछ भक्तों ने 16 के स्थान पर कोई अन्य संख्या निर्धारित कर ली है, कुछ लोग न्यूनतम 20 अथवा 25 माला का जप कर रहे हैं। ये लोकनाथ महाराज बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी से कि कुछ भक्तों ने अपने हिसाब से ही जो है माला की संख्या अन्य संख्या निर्धारित कर ली है, कुछ लोग 20 माला करते हैं, कुछ 25 माला। शिला प्रभुपाद जी को बोल रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? हाँ, इसे बढ़ाना चाहिए परंतु घटाना नहीं चाहिए, केवल बढ़ाना चाहिए। इसलिए एक संख्या निर्धारित की जाती है, मैं कम से कम इतना तो करूंगा, अर्थात 16 माला। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मिनिमम एक फिक्स कर दिया गया है, वो है 16 माला, लेकिन मैक्सिमम जो है वो फिक्स नहीं है, मैक्सिमम बढ़ाना चाहिए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लोकनाथ महाराज, किंतु आप न्यूनतम 16 माला की अनुशंसा कर रहे हैं और कुछ कुछ भक्तजन न्यूनतम 20 माला कर रहे हैं। तो लोकनाथ महाराज बता रहे हैं कि आपने 16 माला के लिए बोला है मिनिमम, लेकिन कुछ भक्त लोग जो है 20 माला के लिए बोल रहे हैं, कर रहे हैं। प्रभुपाद, तो किसने मना किया है? कौन कहता है ऐसा मत करो, ये वांछित है, किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते, अतः हमने एक न्यूनतम संख्या निर्धारित की है। संख्यात असंख्यात, संख्यात का अर्थ व्रत माला जप की नियत संख्या, और असंख्यात का अर्थ है कोई सीमा नहीं। प्रभुपाद जी बोले तो क्या प्रॉब्लम है यदि कोई कोई अगर 20 माला कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं, करना चाहिए, है ना? प्रभुपाद जी ने बोला कि मैंने एक मिनिमम फिक्स किया है ताकि जो है इससे कम ना हो, और ये तो है ही,
इसके अलावा तो ये दो कन्वर्सेशन से हमको पता लगता है शिला प्रभुपाद जी के कि 64 माला करना कितना महत्वपूर्ण है। तो आज जो है हम लोग 64 माला करने का प्रयास करेंगे, कितना कंप्लीट कर पाएंगे वो तो डिपेंड करेगा भगवान। और इसके अलावा जैसे कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बहुत सुंदर चीज बोली थी, वो बोलते थे कि गौड़ीय मठ में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन हरिनाम का 1,00,000 जप करने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, अन्यथा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोल रहे हैं कि गौड़ीय मठ में कोई भी रहता है तो उसको 1,00,000 नाम जप करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा विभिन्न प्रकार की जो भौतिक आसक्तियां होंगी वो दबे पांव व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर करके उसकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। आप समझ रहे हैं? तो वस्तुतः जो अनुदिन 1,00,000 हरिनाम का जप नहीं करता, भगवान उसके हाथ से भोग स्वीकार नहीं करते। जैसे कि हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु उसके घर पे भोजन ग्रहण करते थे जो 1,00,000 नाम जप करता था। तो व्यक्ति को इस प्रकार अपने समय का संतुलित संचालन करना चाहिए, अपनी दिनचर्या को इस प्रकार से रखना चाहिए कि वह रोज 1,00,000 कृष्ण नाम का जप भी कर ले और अपने सारे निर्धारित कार्य भी कर ले। ये शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते हैं, उनका एक जो है आर्ट ऑफ प्योर डिवोशन नाम से उनका एक रचना है, उसमें उन्होंने ऐसा बताया है। और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे क्या कि नाम का जप सावधानी से संख्या पूर्वक करना चाहिए, व्यक्ति को उसमें वृद्धि करना चाहिए, प्रतिदिन वृद्धि करते हुए प्रतिदिन 1,00,000 नाम जप करने की अवस्था तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? और यदि कोई व्यक्ति ऐसा करने में असफल होता है तो इसका मतलब वह पतित है। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बोलते थे कि कोई 64 राउंड जप नहीं करता तो जो है वो पतित है, फॉलन है। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा थी, प्रभुपाद जी ने हमारी स्थिति देखी, इसलिए हमको 16 माला मिनिमम बोला है और साथ साथ में सेवाएं, तो इसलिए जो है, पर फिर भी प्रभुपाद जी ने मना नहीं किया। अगर हमारे पास समय है और सेवा के साथ साथ हम 64 सेवा करते करते हम 64 राउंड्स भी मैनेज कर सकते हैं एवरीडे तो वो तो बेस्ट ही है। लेकिन एटलीस्ट आज हम प्रयास करेंगे, है ना, कि 64 राउंड्स करने का प्रयास करें और भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, है ना। ठीक है, हरि नाम प्रभु की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।